हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी सप्तमी टू ऑल ऑफ यू। और मुझे पता है जब तक ये मेरा ब्लॉग जाएगा तब तक सप्तमी अष्टमी खत्म हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मेरे लिए तो अभी मैं आपको सप्तमी ऐसे ही विश कर सकती हूँ। वैसे आपको मेरे रील्स एंड शॉर्ट्स तो मिल ही रहे होंगे, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। और सेवन डे स्पेशल मैंने बनाया था सोयाबीन की सब्जी, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, मैं बहुत खुश हो गई, अच्छा बना था। मैं मुझे लगा चलो कुछ तो मैंने अच्छा बनाया, सोयाबीन ओल इसके पहले मैंने कभी नहीं बनाया था। ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने सोयाबीन और रोल बनाया था। सबसे पहले मैंने बोबो को खाने को दिया, बोबो को भी बहुत अच्छा लगा। जब बच्चे कुछ अच्छे से मन से खा लेते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और आज का शेड्यूल मेरा बहुत बिजी है, आज मुझे मेरी बहन भी आ रही है, उसकी भी तैयारी करनी है, मुझे मार्केट भी जाना है, मुझे घर का भी बहुत कुछ करना है। तो ये पूजा का टाइम होता है ना, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, कभी भी खत्म होने का नाम ही नहीं होता। इतना सारा काम कहाँ से आ जाता है, समझ में नहीं आता। आप लोग का भी ऐसा ही होता होगा। तो शाम हो गई और हम रेडी हो गए हैं, हम जा रहे हैं मार्केट। मार्केट से मेरे को कुछ कुछ लेना है। शिवानी यहाँ पे रेडी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ज्यादा जेंसिस के जैसे नहीं हो गया ना, वैसे ही है, ज्यादा ढीला लग रहा है क्या? हाँ, तुम तो इसे टाइट कब पहनती हो। तो शिवानी रेडी हो चुकी है, हम भी रेडी हो गए हैं। और बोबो तुम क्या कर पहनेगा, तुम्हारा टी शर्ट दूसरा बना दे, स्काई ब्लू। ठीक है, अच्छा सैटरडे भी है, अब चलो आए हैं तो। बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा कुछ लेना है, देना है। स्कूटी से जाएंगे पर। हाँ, स्कूटी से जाएंगे। करने और हम ये दुपट्टा को ऐसे ऐसे गर्दन में ऐसे लपेट के। और अच्छा, लास्ट टाइम भी हम लोग सप्तमी को हम तुम बोबो स्कूटी से निकले थे। पक्का। और लास्ट टाइम हम भी आज के दिन ब्लैक सूट पहने थे, इससे अच्छा कलर मेरा सामने से लग रहा है दोस्तों। ये कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है मेरे टी शर्ट के कलर से। जस्टिस है, सामने ज्यादा अच्छा लग रहा है पर ये ज्यादा है। क्लीन का स्पेलिंग बताओ क्या होता है पहले। क्लीन। सो मेरे घर में आजकल लिस्ट बनाने वाले सामने जी खड़े हैं, ये लिस्ट बनाते हैं और क्लींजिंग। हाँ, हम बोबो शिवानी तीनों की सवारी निकल गई मार्केट के लिए। और ये देखिए रोड सज चुके हैं, सेवन डे पे ना फेस भी खुल जाता है। तो हमें रैंडम से एक दो हमें दुर्गा जी के दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। हम शिवानी बहुत खुश थे, तो गए तो अष्टमी को ही फल के लिए, फल वगैरह लेना था चढ़ाने के लिए, तो हमने फ्रूट्स लिया, कुछ वेजिटेबल्स लिए, धनिया पत्ता, मिर्ची, नींबू, जो होता है ना रैंडम से चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, इनके बिना खाना भी नहीं बन सकता। और शिवानी मेरे से इतना सारा कैरी बैग लिवा के गई थी, ये ले लो वो ले लो, इतना सारा कैरी बैग ले लो। तो हम लोग सब कुछ, जो सब्जी, इमली मुझे लेना था, दही बड़ा बना रही थी इसलिए आम का पत्ता चढ़ाने के लिए मुझे चाहिए था, आम का पत्ता जो बोल रही हूँ, पान का पत्ता। मैं वहां भी जाके मैं उनको ना बोली रही थी कि आम का पत्ता दो। फिर हम लोग चले गए बोबो का केक ऑर्डर करने के लिए, फिर हमें लगा कि हम बिजी हो जाएंगे, दो तीन दिन बोबो का केक का ऑर्डर हम नहीं दे पाएंगे और स्टाफ नहीं रहा तो मेरा ऑर्डर भी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा ना पहले ही ऑर्डर दे देते हैं। और बोबो को हमने बोला कि बुकलेट देख लो, तुमको जो पसंद आएगा उसी के हिसाब से करेंगे। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, इतने ज्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं और कन्फ्यूज के होने के साथ साथ ना कन्फ्यूज भी कर देते हैं। ऊपर में पिक्चर में। अच्छा भैया डेढ़ पाउंड का बोल रही है, नीचे मतलब एक पाउंड नीचे और हाफ पाउंड ऊपर, बहुत छोटा है उसका, छोटा फेस भी नहीं, ये एक पाउंड है, देखिए इमेजिन एक पाउंड। फाइनली बोबो को समझाने के बाद बहुत वो एग्री हुआ एक केक के लिए, तो बोल हमें क्या कम क्रीम चाहिए था। फिर हमने कुछ कुछ उसके जो नेमिंग का होता है ना हमने वो भी लिया। वैसे मेनली बोबो का जो भी डेकोरेशन का सामान है रिंकी पटना से लेके आ रही है, तो हमें लगा कि थोड़ा, और वो हमें छोटा सा ना वो
गार्लिक ब्रेड ट्राई करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग रिटर्न होने लगे घर के लिए, और ये देखो फिर से रोज इतना सजा हुआ, ऐसा लग रहा है किसी की शादी है। इसके नीचे से क्रॉस करना बहुत अच्छा लग रहा था। हम शिवानी बोबो बहुत हंस रहे थे, और ये हम एक दुर्गा जी यहाँ बैठती हैं। फिर हम चले गए खाजा लेने के लिए। अभी कैसा दुर्गा पूजा में खाजा टिकरी ये काफ़ी फेमस है, तो खाजा हमें बहुत यमी लगा इनके यहाँ का, तो इसलिए हम लोग दोबारा गए थे खाजा लेने के लिए। और रिंकी आ रही थी तो मैंने सोचा था कि ज़्यादा ही ले लेंगे, थोड़ा चढ़ाने के भी काम आ जाएगा। और घर में जब भीड़ होती है ना और ये सब चीज़ें होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये त्यौहार का टाइम है ना, और स्पेशल खाजा इधर होता है झारखंड में। तो हमने बोला कि चलो स्पेशल स्वीट्स तो हम लोग नॉर्मली रसगुल्ला वगैरह हमेशा खाते हैं, लेकिन खाजा वगैरह तो हमेशा नहीं खाते, इसलिए मैंने बोला कि नहीं खाजा वगैरह अच्छा लगेगा। फिर हम चले गए चूड़ी के लिए, हम तीनों बहनों की चूड़ी लेनी थी मुझे, तो हम बोले थे कि ऐसा करेंगे चूड़ी हम अपने पसंद से रख लेंगे अष्टमी को पहनने के लिए, अगर हम जो कपड़े पहनेंगे ना उसके मैचिंग। तो यही सब चूड़ियाँ वगैरह पसंद करने लगे, तो मैंने रिंकी से पूछा कि तुम प्लेन कलर का ड्रेस पहनने वाली हो, लेकिन हम बहुत कन्फ्यूज हो गए किस कलर का ले, उसके पास दो तीन था। मैंने बोला ठीक है हम जो कलर की चूड़ी मुझे पसंद आ जाएगी तुम उस कलर का तुम कपड़े पहन लेना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर मैंने शिवानी को भी इस बार बोला, इंसिस्ट किया कि तुम प्लीज इस बार ना कांच की ना रेड कलर की चूड़ी पहनो, क्योंकि उसके रेड कलर का सूट था। तो बोली ठीक है चलो, बहुत बोलने के बाद जाके वो कन्विंस हुई। और ये देखो मुझे एक रेड कलर का चूड़ी पसंद भी आ रहा था, फिर भी मैंने इस कलर का बहुत मैंने पहना है, तो मैंने बोला ठीक है कोई नहीं, अगर नहीं पसंद आएगा ना तो हम यही ले लेंगे। फिर जाके फाइनली मुझे पसंद आया, मेजेंटा पिंक वाला मैंने रिंकी के लिए लिया, और रेड प्लेन मैंने शिवानी के लिए लिया। और कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं लेना था, मेकअप वगैरह का सारा सामान तो हमने ऑनलाइन जो भी जरूरत होती है लिपस्टिक वगैरह हम मंगा ही लेते हैं, क्योंकि हमारी सिटी बहुत छोटी है और बहुत मेकअप का सामान हमारे यहाँ मिलता नहीं। चूड़ियाँ बहुत अच्छी मिल जाती हैं, और आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि आप शॉप का नाम बताओ, तो हम गोल्डन दिए हैं शॉप का नाम, बार बार हम भूल ही जाते हैं शॉप का नाम क्या है। ये देखो चॉकलेट कलर के, इस बार फर्स्ट टाइम मैंने चूड़ी लिया था, तो आप बताना मुझे मैं जब पहनूंगी तो मुझे कैसा लगा। और ये मैं गोल्डन कलर की चूड़ी ढूंढ रही थी, गोल्डन कलर की चूड़ी ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ गोल्डन पसंद आ जाए ना, तो मैं चूड़ी के आगे पीछे लगाने के लिए बहुत काम आता है। बोबो भी साथ में था, वो जिद कर रहा था टॉय दिला दो टॉय दिला दो। मैंने बोला सब कुछ डिमांड करना बेटा, टॉय मत मांगना। फिर बिंदिया वगैरह हमने पसंद किया छुटपुट सी, और बिंदी वगैरह पसंद करने के बाद मुझे एक चीज बहुत, मैं छोटी थी ना मुझे नक की बिंदी बहुत पसंद आती है, और बोबो क्रैकर्स के लिए जिद करने लगा। फाइनली वहां से तो मैंने नहीं दिलाया, लेकिन बाद में अभिषेक उसको जरूर दिला दिया। मुझे बहुत गुस्सा आई बाद में कि इसको अभी दिलाने की जरूरत ही नहीं थी, वो जिद करेगा और हम दिलाते रहेंगे, वो बार बच्चों के पीछे लगा पड़ना पड़ता है दिवाली के पहले से ही, ऐसा लगेगा बच्चे कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। और फिर फटाफट हम घर में आके ना दिया जलाने लगे, क्योंकि थोड़ा लेट भी हो गया था, और ये जो इतना टाइम से जो आदत हो गई है ना टाइम पे दिया जलाने की, तो जैसा लगता है अरे जब तक दिया ना जलाओ मन में ऐसा लगता है कुछ छूट रहा है। लेकिन दिया वगैरह जलाने के बाद बहुत सुकून हो जाता है, आरती वगैरह ये करके। हेलो टू एवरीवन, सो बोबो सो चुका है तो हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, और मेरा सारा काम हो गया, सारा किचन का हम सब समीटा करेंगे। हम मोबाइल रखे हैं और सबसे पहले हम सोचे सारा काम कर लेते हैं, क्योंकि काम नहीं होने से क्या होता है ना, बहुत कुछ इधर उधर फैला रहता है। तो अभी हम क्या क्या किए आपको हम दिखाते हैं। आज हम बोले थे ना सप्तमी है दही बड़ा बनाएंगे, नहीं बना क्योंकि हम उसको फुलाना ही भूल गए थे, तो आपको दिखाते हैं। तो इसमें उड़द दाल है, तो इसमें ये उड़द कल सुबह पिसेगा और कल सुबह ही दही बड़ा बनेगा। ये है आपका काला चना, तो ये कल ही बनेगा। ये ऑयल है, और ये दिखाते हैं आपको जो खाजा लेके आए थे ना, इसको हम बॉक्स में रख दिए इसमें, तो ये वाला खाजा है। ये देखो शिवानी को हम ये और ये वाला बर्तन बोले हैं ऊपर रखने के लिए। मेरा बैटरी एकदम डाउन हो चुका है, तो अब हमको ऐसा लग रहा है ना कि हमको सोना चाहिए, तो अब चलते हैं सोने, और सोएंगे बस 3-4 घंटे ही सो पाएंगे, क्योंकि 12 बज बजने जा रहा है और हम सो जाएंगे। और बोबो तो सो गया, बोबो सो गया है, क्या तो बोबो सो गया है, तो अब हम थक गए हैं और चीज करने बैठी है, और चूड़ी हम तीनों बहनों के लिए आ गया है,
तो अब कल सुबह दिखाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा ना आपको अष्टमी में, तो कल हम पहनेंगे, शिवानी भी पहनेगी, मेरी बहन आ रही है छोटी वाली, तो बोलिए दीदी तुम बीच वाली, हाँ दीदी तुम टेंशन नहीं ले रहा, सारा काम हम आके कर देंगे। और अभी वो ट्रेन में बैठने के बाद ये दोनों बहन मिलके मेरा बुराई कर रही थी, हम लोग कमर कस के आ रही हो, हाँ तो समझ गई दीदी, दीदी का बैटरी, दीदी पहुंचते ही दीदी का कुछ ना कुछ यूज़ चलने लगेगा, जिस दिन मटन बनाएगी दीदी उस दिन रिचार्ज करेगी। हाँ तो ये दोनों बहन बात कर रही थी, मेरा बुराई कर रही थी, हमने अरे उसको आने दो सामने में बैठ के बुराई करना। आयरन करते करते सूट तो जला ही लिए शिवानी, और क्या क्या किए हैं आज, आयरन कर आज आयरन करते करते दीदी अपना सूट जला ली, नहीं पता कौन से हड़बड़ में, इसको पूजा करना था जल्दी जल्दी से हो गई और सूट जला ली, लेट हो रहा था, बहुत लेट हो रहा था मेरे पिता, एक बार में करो करो कुछ तो करो, सो चलिए फिर ऐसे ही चलेगा मेरा लाइफ, अब हम सो जाएंगे, उस शिवानी को बोलेंगे थोड़ा पैर हाथ दबा दे, शिवानी हमने कुछ किए, कुछ नहीं किया तुम, हम कुछ नहीं किए, कुछ नहीं, देखिए पूरा किचन समेटे हैं, अच्छा क्यों कौन किचन तुम समेटी, कौन सा किचन, सारा ग्रोसरी तो हम रखे हैं डब्बों में, शिवानी तुम ऐसे नहीं बोल सकती, शिवानी हम किए हैं सारा किचन समेटी है, जाके देखो किचन, अभिषेक हमको एक गिलास पानी पिलाओ, मर जाए, मत पिलाइएगा जी, झूठ बोलती है सिर्फ कैमरे के।